देखो मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको मिक्सी में, ये थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको मैं पीस लूँगी और इसमें और कुछ। अब मैं उपमा की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने उपमा के लिए देखिए मैंने क्या क्या सामान ले लिया है। तो मैंने कड़ी पत्ते ले लिए धो के, और ये थोड़ी सी गोभी काट ली है, और एक टमाटर ले लिया है, एक प्याज, एक मिर्ची और अदरक। अब बस अब मैं मेरी कढ़ाई कढ़ाई भी गर्म हो चुकी हूँ, तो इसमें मैं सूजी ऐड करके फ्राई करके पहले निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसको ले लिया है, मैंने चाय पीने वाली जो कप होती है, मैंने एक कप सूजी लेके इसको अब अच्छे से हल्का इसको कढ़ाई में लेके फ्राई कर दूँगी। मैं ज़्यादा इसको लाल नहीं करूँगी, हल्का से सुनहरा रंग आने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो इससे उपमा बहुत ही टेस्ट है, बहुत ही खिला खिला बनता है, चिपकता नहीं है, बहुत ही अच्छा बनता है। एक बार आप इस तरह से बनाइए तो सच में वाकई बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप भी इसी तरह इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा ज़रूर। देखिए मेरा अभी सूजी मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ पहले, और मैं इसका है कि मैंने अगर एक कप सूजी लिया तो मैं पानी दो कप लूँगी, तो नाप मेरा वैसे ही है। मैं एक कप पानी, एक कप सूजी और दो कप पानी डाल के मैं इसको अच्छे से बनाऊँगी, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। देखिए उससे उपमा बहुत ही अच्छा बनता है, यही नाप मेरा है। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो देखिए सूजी मेरी फ्राई हो चुकी है, देखिए देखिए इसका कलर फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और आगे का प्रोसीजर मैं शुरू कर रही हूँ। तेल में जीरा और सरसों डाल दिया है, रिफाइन तेल मैंने ऐड कर लिया है, और देखिए इसकी चटकने वाली जो आवाज़ है वो भी आपको सुनाई दे रही होगी। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके सब मैं सामान ऐड कर दूँगी। तो इसमें पहले मैं मिर्ची और प्याज में ऐड कर दे रही हूँ, और ये अदरक मैंने थोड़ी सी अदरक ली थी उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। और ये अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दे रही हूँ, हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। अब कोई सब्ज़ी और आप भी आपके घर में कोई सब्ज़ी होगा, गाजर हो सकता है, परवल हो सकता है, बीन डाल सकते हैं आप, मगर अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं बस यही जो डाल जो है मैं उसी के साथ बना रही हूँ। तो आप उसको भी डाल करके बहुत ही टेस्टी बनता है, जितनी सब्ज़ी डालिए वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और सुबह का नाश्ता में हल्का फुल्का रहे तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और जल्दी बन भी जाता है, और बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये नाश्ता। जैसे मैंने तो
थोड़ा सा गोभी हल्का सा थोड़ा लाल हो जाएगा तो मैं, देखिए मेरी गोभी अच्छी फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, डाल दूँगी धनिया के लिए थोड़ा सा, ये जो सब्जियाँ थोड़ी गल जाएगी, अब इनको थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार एक चम्मच नमक डाल दूँगी, बस और कुछ करूँगा। नमक डाल के इसको थोड़ा सा टमाटर ऐसे से गल जाएगा, तब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। जितना मैंने लिया है सूजी उसका दोगुना पानी ऐड करेंगे, एक कप सूजी लिया है तो 2 कप पानी ऐड करके मैं इसको अच्छे से फिर इसमें मैं सूजी ऐड कर दूँगी। देखिए मैंने पानी में भी सूजी ऐड कर दिया है, और मैं इसको अच्छे से बस कम आँच में इसको मैं ढक दूँगी 5-10 मिनट के लिए। और मैं कुछ नहीं करूँगी, बस इसको पानी में डिप कर दिया है, ये इसको मैं पानी अच्छे से इसको ढक्कन लगा दूंगी। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक दी हूँ, देखिए कम आंच में इसको ढक दी हूँ मैं। अब मैं इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करूँगी, 5 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन निकालूंगी। तो देखिए चना दाल ले लिया है, चना दाल और थोड़ा कड़ी पत्ता, मिर्ची और लहसुन ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं। देखिए मैंने चटनी पीस ली है, अब मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी, बस सरसों का तेल मैं ऐड कर लूँगी, थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो मैं तेल, देखिए मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसको मिला लूँगी, बस चने की चटनी बन के तैयार हो गई है। आप इसके किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी। अब देखिए मैं इसको ऐसे, आपको चाहिए तो इसमें आप तड़का भी लगा सकते हो, मैं तड़का नहीं लगाऊंगी। देखिए मैंने अब वो पानी पूरा सोख लिया, इसको मैं चलाऊंगी, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगी, अब मैं इसको चलाऊंगी। और आप देख सकते हैं अभी मैं इसको छेड़ी भी नहीं हूँ, बस अभी मैं ढक्कन निकाली हूँ, अब मैं इसको चलाऊँगी। देखिए मेरे उपमा बन के एकदम रेडी, एकदम बहुत ही अच्छा बन के आया है। देखिए अगर यह रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन जो है वो भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी जो भी नई वीडियोस है वो अपलोड हो जाएगी, आपको सारा इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगा। तो प्लीज़ देखिए बहुत ही सुंदर बना है, आप भी इसी तरह बनाइए और अपने परिवार के साथ यूँ ही खुश रहिए। जय माता दी। तो मेरा तो नाश्ता बन गया है, और देखिए मैंने अब इसको प्लेट पे सजा दिया है, और मैं उपमा और चटनी के साथ सर्व की हूँ। तो आप भी इसी तरह बनाइए और एंजॉय कीजिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में ही इतना ही टेस्टी लगेगा।